नमस्ते सलाम, मैं हूँ आप सबकी फेवरेट यानी गार्गी चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आज हम कुछ नया और अलग करने वाले हैं। जी हाँ, बॉलीवुड की स्टोरीज बहुत दिखा दी आपको, पिक्चर पारों भी आपने बहुत देख लिया, लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अलग सा करना है, अपना बिजनेस या स्टार्टअप करना है, तो उसके लिए क्या कुछ सोचना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब जानेंगे हम नायका मैम से। मैम श्रेष्ठ भारत, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। थैंक यू टाइम निकालने के लिए भी, क्योंकि आप बहुत बिजी शेड्यूल के साथ रहती हैं और टाइम निकाला आपने। नहीं, मेरा सौभाग्य है कि आज आपके साथ बात हो रही है एंड मैं लोगों को संबोधित कर पा रही हूँ। मैम, स्टार्टअप हर कोई सोचता ही रह जाता है, तो जब आपने सोचा, वो कौन सा लम्हा था, सुनहरा मौका था जब आपने सोचा कि मैं स्टार्टअप करूँगी और कुछ लोगों को इंक्लूड भी करूंगी ताकि वो अपने सपने जो पूरे कर सके, क्योंकि जॉब से कई बार वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। जब मैं नई नई अहमदाबाद आई थी, तब मैंने सोचा कि मैं अपना कुछ बिजनेस करती हूँ। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि तुमसे ना हो पाएगा, तो जब उन लोगों ने ऐसा बोला और जब भी मेरी लाइफ में किसी ने ऐसा बोला है, तब मुझे लगा अब तो कुछ करके दिखाना है। फिर मैं कुछ लेडीज से मिली, मैंने एक फ्री वर्कशॉप रखी थी सोशल मीडिया की, वहाँ पर मिली तो उन लोगों को भी प्रॉब्लम थी कस्टमर्स कहाँ से लाने। तो जब मैंने देखा कि सबको प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ मुझे ही नहीं, जो मेरी प्रॉब्लम्स है वो सबकी प्रॉब्लम्स है, तब कनेक्ट का जन्म हुआ। मैंने सोचा सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं, सबकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूं, सबको मैं हेल्प कर सकूं और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। जब मैं सबको दूंगी तो अपने आप यूनिवर्स मुझे देगा। मैम, ये आपने जो बोला यूनिवर्स फिर आपको देगा, वो सलमान खान की मूवी की एक को मदद करो तीन और को मदद करेंगे। तो जब आपने शुरू किया था स्टार्टअप, आपका क्या था, क्या बिजनेस था? मेरा कोई बिजनेस नहीं था, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। मैं स्टार्ट करना चाहती थी बिजनेस, लेकिन फंड्स की कमी, मतलब परिवार के पास पैसे हैं लेकिन एक फीमेल में इन्वेस्ट करने के पैसे नहीं हैं, तो खुद के बलबूते पे खड़ा करना ये मेरे लिए चैलेंज था। तो ये कनेक्ट ही मेरा पहला बिजनेस था, इसी से शुरुआत की मैंने। आज मेरे 7 बिजनेस हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, 7 बिजनेस है। हम उम्मीद करते हैं कि और भी आगे बढ़े आपका बिजनेस, और जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, जिनसे कुछ कर रहे हैं, अपने बिजनेस रन अप कर चुके हैं और कुछ लोग करना चाह रहे हैं, जैसे आपने बोला कि फैमिली के पास अक्सर देखा गया है, ये अफेक्ट है, फैमिली के पास नहीं रहता है पैसा कि हम बिजनेस पे लगाएं या कुछ करें, तो पीछे खींचते हैं। तो कहीं ना कहीं बैकअप कितना ज़रूरी है अगर आप अपना कुछ करना चाहते हैं। हमें चलना शुरू करना पड़ता है, वो गाना है ना, एकला चलो रे एकला चलो रे, फिर कारवां जुड़ता चला जाता है। तो आप पहले अपने आप पे विश्वास दिखाइए, आप कुछ करके दिखाइए, फिर सबका सपोर्ट मिलेगा। मेरे साथ भी यही हुआ, मैंने कुछ करके दिखाया तो आज मेरी फैमिली मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम है। मैम, जैसे कि आप अलग अलग शहरों में जाके ये चीज़ें करती हैं और लोगों के इनोवेटिव आइडियाज सुनती हैं, उनको एक मौका देती हैं, जैसे अभी भी आपने इन सबको एक एक्टिविटी दिया है, जिससे जो मुझे समझ में आया कि आप टीम वर्क देख रहे हैं और अपने जो प्रोडक्ट है उसको किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं ये देखना चाहते हैं। तो ऐसे आप मतलब कि नोएडा आई हैं, दिल्ली जाएंगी, और कितने शहरों में ऐसा करती हैं आप सेमिनार टाइप? 20 सिटीज़ में कनेक्ट का प्रेजेंस है। 20 सिटीज़ में करीबन 1200 प्लस वीमेन हमसे जुड़ी हुई हैं, जिनकी लाइफ हम चेंज करने की, अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते होंगे मैम जो एक साल में या 6 महीने में अपना धैर्य हार जाते हैं, तो उनको फिर से मोटिवेट करने के लिए ऐसा क्या करते हैं आप लोग कि हाँ, अगर अच्छा कर रहा है कोई तो कैसे आप आगे बढ़ाते हैं उन लोगों को? देखिए, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, हम उनको गाइड करते हैं, हम उनको मेंटर करते हैं, लेकिन वो जो करने, कुछ करने की जो चाह है ना, वो अंदर से ही आती है। अगर आपने ही गिव अप कर दिया है तो कोई माइकल लाल आपको खड़ा नहीं कर सकता है, आपको खुद से वो अपने अंदर वो आग जला के रखनी पड़ती है। मैम, आज के टाइम पे कोई भी चीज़ बहुत इजी हो गया है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे बहुत अपने चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, जो पहले जब आपने शुरू किया था उस टाइम पे और अभी में कितना अंतर है? आज बहुत इजी हो गया है व्यापार करना, सोशल मीडिया से आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत लोगों तक रीच कर पाते हो। मेरे ख्याल से अभी भी 70% इंडिया की पॉपुलेशन को सोशल मीडिया को ढंग से यूज़ करना नहीं आता है। अगर हम इसको बेहतर यूज़ कर पाए, जितना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं वो कर पाए, तो इंडिया विल बी डेवलप्ड कंट्री इन 1 ईयर। अगर एक साल की क्रांति की ज़रूरत है, इंडिया विल बी अ डेवलप्ड कंट्री। बीच में हमारी सरकार ने भी ये बोला था लखपति दीदी,
लखपति दीदी जो कॉन्सेप्ट था वो मुझे आपके ये चीजें देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो पूरा होने वाला है, क्योंकि जो महिलाएं हैं बहुत बढ़ चढ़ के अब हिस्सा ले रही हैं इन पे। हाँ जी, हाँ महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, लेकिन फिर भी उनको गाइडेंस मेंटरशिप की बहुत कमी है, कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। आई मीन कई बार कितने लोगों ने उनको नीचे बोला, तू कुछ नहीं कर सकती, तू ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती, उन्होंने उसको मन में मान लिया है। तो उससे ऊपर आना और कुछ करके दिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है आज भी महिलाओं को, लेकिन हाँ शायद वो जल्दी कर लेंगे। मैम आपसे लास्ट यही जानना चाहूँगी कि ऐसे आप जा जा के हर कहीं पे मोटिवेट कर रही हैं, इंस्पायर कर रही हैं, बहुत बड़ी चीज़ है, अच्छा लगता है। तो आप जो आने वाले हैं लोग, कुछ लोग जो जुड़ नहीं पाए, आपको सोशली देख रहे हैं, कहीं पे देख रहे हैं या हमारे चैनल के थ्रू देखेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप तक अगर नहीं भी जुड़ पाए तो वो जुड़े और किस तरह से अपने बिजनेस को, अपने आइडियाज़ पे काम करें? तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं 7229020503 पे। मैं सुबह 9 बजे से रात को 8 बजे तक कॉल्स लेती हूँ। किसी भी महिला की कभी भी हेल्प करने की मेरी इच्छा रहती है। मैं एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हूँ तो सिर्फ महिलाओं के लिए काम करती हूँ, जितना हो सकेगा महिलाओं को हेल्प करूँगी। बाकी हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है कनेक्ट वुमेन, KONNECTWOMEN, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो और सीधा मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मेरी जितनी बन पड़ेगी मैं आपकी हेल्प करूँगी। बाकी अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के भी सीखो तो वो भी कर सकते हो, बहुत सारे लर्निंग वीडियोस हैं, हमारे चैनल भी है खुद का भी कनेक्ट वुमेन के नाम से, उस पर भी आपको काफ़ी लर्निंग मिल जाएगी। तो आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। मेरे जैसी हज़ार नायिका भी मिलके आपको, अगर आप में अगर इच्छा है तो आप मेरे जैसी बहुत मिल जाएंगी आपको, आप अगर मांगोगे तो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेगा। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह है वही रहा है, तो यही बात है। अगर आप करना चाहते हैं दिल से कुछ अलग और बाकी लोगों को भी इंस्पायर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। अब हम नायिका मैम से तो बात कर चुके हैं, हम जानेंगे कि ये जो एक्टिविटीज़ इनको दिया गया है वो किस तरह से प्रेजेंट करते हैं और नायिका मैम को सबसे ज़्यादा कौन पसंद आता है। जैसे कि हमने कहा था कि अभी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, इन्होंने एक काम दिया है टीम ग्रुप बना के, तो ये देखिए एक्टिविटी शुरू हो चुकी है और एक के बाद एक जिनका जो टीम नेम भी रखा गया है, ये टीम नेम के हिसाब से आएंगे, एक्ट करेंगे, अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचते हैं, टीम वर्क कैसे करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएगी। गार्गी कनेक्ट वुमेन इज़ अ वेरी गुड नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इन नोएडा, बिकॉज यहाँ पर हम सारी लेडीज़ जितनी भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रमोशंस में हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, कैसे हम अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं, ये देख रहे हैं। एंड ओवरऑल वी आर नायकाज ही मेंटरिंग ऑल ऑफ अस एंड वी आर मेंटर्स ऑफ ईच अदर। सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ जो देखने को मिली, जब भी हमारी कभी भी ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी मीटिंग्स होती हैं तो हम सब एक दूसरे के लिए स्टेप्स बताते हैं कि हम इस तरह से एक दूसरे की सोसाइटीज़ के लिए हम आपस में वी आर क्रिएटिंग नेटवर्क्स, वी आर प्रमोटिंग ईच अदर। सो बाई दिस वे मुझे लगता है कि नोएडा में जो हमारा नोएडा का USP जो मैं आपको बताऊँ वो वही है कि वी आर पॉजिटिवली कनेक्टेड, वी आर इंटरनली कनेक्टेड विद ईच अदर एंड ईच ऑफ अस वॉन्ट्स टू ग्रो टू बी ईच अदर। तो हम सब इसीलिए हमारे लिए कनेक्ट एक बहुत ही अच्छा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म हमारे लिए है।
व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन? जी हाँ, इनको देखकर आपके मन में भी यही आया ना। तो इन लोगों ने स्टार्टअप के लिए अपने आप को तैयार किया, एक्टिविटीज कर रहे हैं, टीम वर्क कैसे काम करते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट को लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए, ये सब चीज़ें यहाँ पे हुई हैं और इन लोगों ने अपने आप को प्रूफ करने की कोई कमी नहीं छोड़ी है। जी हाँ, अपने आप को प्रूफ करना है, अपने काम को लोगों के सामने, दुनिया के सामने दिखाना है। इस वजह से ये लोग पूरे प्रिपेयर होकर यहाँ आए और इन्होंने दिखाया कि किस तरह से अपने काम को किया जा सकता है, लेकिन संयम के साथ, धैर्य के साथ अपने विल पावर को भी स्ट्रॉन्ग रखना होता है। कैसी लगी ये खबर आपको, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं हूँ गार्गी, मेरे साथ है अजीत सिंह। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।